हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं 665 क्वेश्चंस का सीरीज चला रही हूँ, जिसमें से यह आठवां वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सभी दिए गए हैं। सभी वीडियोज को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। और दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि संवेग को परिभाषित करते हैं भाव के रूप में, कि क्षोभ के रूप में, कि भविष्य की आशंका के रूप में, कि उन्माद की स्थिति के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है क्या। क्वेश्चन है, एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है। तो एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है कि माप की सुसंगति होना चाहिए, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बुद्धि जांच किसने किया। तो दोस्तों, प्रथम बुद्धि परीक्षण किया बीनेट और साइमन ने 1905 में किया था, और उसके बाद आईक्यू यानी कि जो बुद्धि परीक्षण है, आईक्यू की खोज किया स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद कहते हैं। तो दोस्तों, गैंग एज यहां ऑप्शन दिया है आरंभिक बचपन, शैशवावस्था, परवर्ती बचपन। तो नहीं दोस्तों, यहां पे बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, यानी कि वय संधि को, और जो किशोरावस्था होता है उसको टीन एज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान यानी कॉग्निशन का संबंध है। तो दोस्तों, इसका संबंध सीखने से, स्मृति से, रचनात्मकता से, इन तीनों से है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें कौन प्राथमिक प्रेरणा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे राग द्वेष जो होता है, आपका राग जो है प्राथमिक प्रेरणा नहीं है, यह द्वितीयक प्रेरणा है, और इसमें से सभी प्राथमिक प्रेरणा है। नेक्स्ट है संस्थापित यानी क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन, इसमें से सही सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्थापित क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन, इनमें से सही सभी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है। ऑप्शन है, इससे कार्यक्षमता बढ़ती है, इसका संबंध व्यवहार से है, यह सीखने में मदद करता है, यह खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करता है। यह क्वेश्चन दोस्तों UPTGT 2021 में आया हुआ था। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। सारी शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि इसका संबंध व्यवहार से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जांच के प्रतिमान को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जांच के परिमाप को परिभाषित किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक जांच को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, टीम का औसत निष्पादन जानने के लिए कि वो कहाँ तक पहुंचा है और उसकी क्या स्थिति है, उसका औसत निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दाब यानी स्ट्रेस का कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निष्पादन में वृद्धि लाता है।
तो दोस्तों उसको अनुकूलन करने की जो क्षमता होती है वही खिलाड़ियों की क्षमता में निष्पादन में वृद्धि लाता है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रायः व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से संपन्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आक्रामकता ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रायः व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से संपन्न होते हैं, तो यहाँ पे भी आक्रामकता आपका सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी आक्रामकता के चलते वो पूरा अपना दम लगा देता है अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, उस कार्य को करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, जिससे उसकी प्रदर्शन क्षमता बढ़ जाती है। तो एक लेवल तक आक्रामकता खिलाड़ी की श्रेष्ठ व्यक्तित्व के विशेषताओं में एक यह भी शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनो यौन भावना का विकास कब होता है? तो इसका विकास आप सबको पता है किशोरावस्था में होता है, एडोलेसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन में सबसे अधिक जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक है? तो इसमें जुड़ा हुआ वैज्ञानिक है मैकलीलैंड। कौन है? मैकलीलैंड। यहाँ पे एक्सीलैंड लिखा हुआ है लेकिन मैकलीलैंड होगा। क्या होगा? मैकलीलैंड। ठीक, मैकलीलैंड होगा। नेक्स्ट है, मानसिक वय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों मानसिक वय की अवधारणा प्रस्तुत किया बिनेट ने, यानी मानसिक बुद्धि को बताया बिनेट ने। नेक्स्ट है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेशियों की ओर जाने वाले आवेग कहे जाते हैं। तो दोस्तों एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो जो अंगों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क की तरफ जाते हैं उसको अभिवाही या एफरेंट कहते हैं, जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे अंगों की ओर पेशियों की ओर आती है उसे मोटर निरान या अपवाही या इफ्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपवाही निरान आते हैं पेशियों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का सरलतम रूप क्या है? तो दोस्तों ज्ञान का जो सरलतम रूप है वह है संवेदना। क्या है? संवेदना, इमोशन। नेक्स्ट है, सुषुम्ना का क्रियाशील विभाग है? तो दोस्तों जो सुषुम्ना का क्रियाशील विभाग है वह आ जाएगा आपका दैहिक संवेदी। किसमें आ जाएगा? दैहिक संवेदी। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को कहते हैं। तो प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो परिभाषित अनुक्रिया होता है उसको हम कहते हैं अनुबंधित प्रतिवर्त। क्या कहते हैं? अनुबंधित प्रतिवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद का कार्य निष्पादन किसका उपपरिणाम है? तो दोस्तों यह संपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम होता है। नेक्स्ट है, प्रथम कायांतरण किस उम्र के बीच होता है? तो इसका सही जवाब है 7 से 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? तो दोस्तों आत्म शिक्षण अपने आप को चेक करने का सबसे प्रभावी विधि है निरीक्षण विधि, यानी इवेल्यूशन करके, मूल्यांकन करके आप अपने आप को जान सकते हैं कि आपने किस स्तर तक इस चीज में अचीवमेंट किया है या आपको क्या सुधारने की जरूरत है।
नेक्स्ट है शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत प्रतिपादित किया? तो शरीर और मन के सिद्धांत को सबसे पहले प्लेटो ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इसकी किसकी उक्ति है? मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इस बात को कहे हैं डेकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इस बात को किसने कहा है? तो आप सबको पता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अरस्तु जी ने इसको कहा है। नेक्स्ट है शिक्षण के अनुवांशिक कारक हैं, तो जो आसन है कद और वजन, शारीरिक संरचना, शारीरिक गठन। तो दोस्तों ये सभी के सभी अनुवांशिक यानी हेरिडिटी का कारण है। नेक्स्ट है स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है, तो स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है शरीर में शिथिलन लाने की, यानी कि लचीलापन लाने के लिए। नेक्स्ट है दाब यानी स्ट्रेस की स्थिति है, क्या करने के लिए? दाब और स्ट्रेस कभी भी आपको लाभ नहीं दे सकते, ये हानि ही देंगे। यहां आसन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और कार्य निष्पादन के लिए हानिकारक होते हैं दाब यानी स्ट्रेस यानी चिंता, अत्यधिक चिंता, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता खेल से संबद्ध हिंसा का मुख्य कारण है। तो दोस्तों प्रतियोगिता खेल में हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तो प्रतियोगिता खेल में हिंसा का मुख्य कारण जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, यहां पे करेक्ट हो जाएगा, प्रजातीय धार्मिक अथवा राष्ट्रीय आधार पर दर्शकों की टीमों के साथ एकात्मकता। नेक्स्ट है सीखने में व्यक्तिगत कारक है, तो दोस्तों सीखने में व्यक्तिगत कारक आपका क्या हो जाएगा? अनुवांशिक कारक, उपयुक्तता, मनोवैज्ञानिक कारक, इनमें से सभी आपके सीखने के व्यक्तिगत कारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों गेस्टाल्ट ने सीखने के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। कौन सा? सीखने के क्षेत्र सिद्धांत, और सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक वाटसन को बोला जाता है, और सीखने के क्षेत्र सिद्धांत के जनक गेस्टाल्ट को बोला जाता है। और इसमें से प्रयत्न त्रुटि के सिद्धांत ट्रायल एरर के सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने, अनुकूलन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी अनुबंधन सिद्धांत को दिए हैं पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक विधि क्या होता है? दोस्तों सीखने वाले के लिए सहायक होता है कि सीखने वाले के लिए बाधक होता है, कि न सहायक होता है न बाधक होता है? दोस्तों कभी भी फीडबैक जो होता है आपको पूरी प्रक्रिया को खोल के रख देता है कि आपने कहाँ कहाँ कमी है, क्या आपने कमी किया है और आपका स्तर कहाँ तक है। फीडबैक यानी जो अंतिम परिणाम होता है वो आपको हमेशा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? तो दोस्तों शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध जो है वह है मोटर लर्निंग से। किससे है? मोटर लर्निंग से। जैसा कि दोस्तों लर्निंग तीन प्रकार का होता है, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो मोटर लर्निंग होता है जैसे कि साइकिल चलाना, बाइक चलाना और शरीर से जो क्रिया करना, वो मोटर लर्निंग में आता है। तो सारी कुशलताओं को सीखने का संबंध मोटर लर्निंग में आ जाएगा, यानी गत्यात्मक सीखना हिंदी में हो जाएगा। और दूसरा होता है मोटर लर्निंग वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में क्या है? शाब्दिक सीखना, जैसे संकेतों के माध्यम से सोचना, विचारना, सीखना, ये सब होता है आपका
वर्बल लर्निंग में। तो इस प्रकार सारी कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? मोटर लर्निंग से। नेक्स्ट है स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है। दोस्तों स्वाभाविक अभिप्रेरणा जो होती है वो हमेशा आंतरिक होती है, जो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा जो बाद में हम सीखते हैं या बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है मानव मनोविज्ञान का अध्ययन सीमित है। तो दोस्तों मनोविज्ञान इस समय किसका अध्ययन करता है? व्यवहार तक। तो कहां तक सीमित है? व्यवहार तक। जैसे कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और फिर इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया जो वर्तमान समय में चल रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सीखने का एक नियम है? यहाँ पे ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों ये तीनों सीखने के नियम है जिसको दिया है थॉर्नडाइक ने, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है वाह्य आंतरिक अवयव, विवेचन एवं चिंतन। क्या है दोस्तों मानसिक विकास में क्या शामिल हो सकता है? तो किसी चीज का विवेचना करना, चिंतन करना, ये क्या कहलाएगा? मानसिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? विरेचन माध्यम से। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। और जैसा कि आपका परीक्षा एकदम नजदीक में है और आप अपने समय को गवाए बिना अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आई विश कि आप सभी अपने अपने मुकाम को जरूर हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।